हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल आज हम क्लास टेंथ की साइंस की वर्कशीट नंबर एट्टी थ्री सॉल्व करेंगे जिसमें चैप्टर रहेगा हमारा लाइफ प्रोसेस ठीक है सब्जेक्ट रहेगा साइंस क्लास टेंथ और वर्कशीट एट्टी थ्री डेट है इसकी एट फेबरी ठीक है तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस में क्या है द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इंटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन एट्रोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस कई सारे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि न्यूट्रिशन होता है रेस्पिरेशन होता है एक्सक्रीशन होता है ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ होता है रिप्रोडक्शन होता है लेकिन न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को लिया जाता है कन्वर्ट करा जाता है एनर्जी में और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स में जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं न्यूट्रिशन फूड को टेक करने का एक प्रोसेस है और ये दो तरह के होते हैं मेनली ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक <coughs> दोनों को देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज सिंपल फूड ऑप्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन फॉर्म ऑफ सी ओ टू एंड एच टू तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं बस ये होना है इसमें मेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सी ओ टू एंड एच टू तो ऐसे प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाते कहते हैं जो हम कहते हैं ना पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं इसमें हम ऑर्गेनिक सोर्स की वजह से ऑर्गेनिक सोर्स की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं खाना बनाते हैं तो एग्जाम्पल हो गए इसके ग्रीन प्लांट्स एल्गाई एंड सम बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ठीक है और हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका रहता है उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं इसमें क्या होता है एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म बिफोर दे यूज फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी एग्जाम्पल इस एनिमल ह्यूमन एंड फंगाई ठीक है तो इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फूड लेते हैं हम इनटेक करते हैं और वो ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर फॉर्म्स में ठीक है और यूज़ होता है फिर ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे ह्यूमंस एनिमल्स एंड फंगाई ठीक है नेक्स्ट इसमें है तो इसमें हमने देखा न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रीशन देखे टाइप दो देखे ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक Uh, और भी तरह के मोड होते हैं पर इसमें हमने दो बार दो ही डिस्कस करने हैं हमें इस शीट में नेक्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देख लेते हैं अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सी ओ टू ऑटोट्रॉप पिक ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं जिन जहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है जैसे कि प्लांट्स में क्या कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट्स क्या होंगे ऑटोट्रॉप्स द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉयल एंड देन कन्वर्ट इन टू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से पानी लेते हैं मिट्टी से और सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको ग्लूकोज प्रोड्यूस इज़ यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ जो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज बना है आ, वो सॉरी जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा इस प्रक्रिया से फोटोसिंथेसिस से वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा एज ए फ्यूल द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन और जो बायो बचेगा जो वो क्या होगा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो क्या होगी रिलीज़ हो जाएगी और वो हम इनटेक कर लेते हैं तो ये इसकी फोटोकेमिकल इक्वेशन है सिक्स सी ओ टू ट्वेल्व एच टू और क्लोरोफिल की मदद से ये इंपॉर्टेंट है सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये ग्लूकोज बना देते हैं सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये फार्मूला आपको याद ही रखना है ग्लूकोज का और बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे सिक्स ओ टू एंड सिक्स एच टू ठीक है तो मेन यहाँ रखना है ये बैलेंस भी करनी होगी यहाँ सिक्स आएगा यहाँ सिक्स आएगा और ये सिक्स सी ओ टू होगा और ये ट्वेल्व एच टू होगा ठीक है तो और उसके बाद क्या है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मेन इवेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के ये देख लेते हैं बस एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल लाइट एनर्जी कैसे एब्जॉर्व करते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से फिर क्या होता है मैं उसके बाद सेकेंड इवेंट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी को केमिकल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है प्लस uh, और क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एच टू ओ जो होता है ट्वेल्व एच टू ओ ये जो है इसको ब्रेक डाउन कर देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी मदद से सन लाइट की मदद से ठीक है उसके बाद क्या होगा रिडक्शन ऑफ सी ओ टू टू कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो जनरली यहाँ तीन प्रोसेस दिखाया इसने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू क्लोरो केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लास्ट रिडक्शन ऑफ सी टू टू कार्बोहाइड्रेट्स ये तो मेन इवेंट्स हो गए फोटोसिंथिस के और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है ये करता है जो प्लांट्स में लीव्स में जो स्टोमेटा है ये देख लेते हैं क्या होते हैं टाइनी प्रेजेंट टाइनी पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये प्रजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ठीक है उसे स्टोमेटा कहते हैं जिसकी मदद मतलब से एक्सचेंज होती हैं गैसेज सी ओ टू और ओ टू ठीक है और इसमें क्या होता है फंक्शन इसका क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओ टू एंड सी ओ टू और दूसरा फंक्शन क्या है लॉसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपुरेशन ट्रांसपोरेशन प्रोसेस के थ्रू लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिलीज हो जाता है वाटर की तरह ठीक है तो ये वर्कशीट हो गई अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो ये हमने पढ़ लिया था ऊपर ये चार्ट बना हुआ है ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर वन तो ये आंसर नंबर वन हो जाएगा हमारा ठीक है ये ऑटोट्रॉफिक और ये हिट्रोट्रॉफिक का डिफरेंस हो जाएगा ठीक है आंसर नंबर वन ये हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल ऑल ऑफ द अबव तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है सनलाइट और क्लोरोफिल उसको ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन है राइड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस ये हमने ऊपर ही पढ़ा है अभी सिक्स सी ओ टू वाली जो इक्वेशन थी सिक्स सी ओ टू ट्वेल्व एच टू ओ इन द और किसकी मदद से क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बना देंगे ग्लूकोज होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व सिक्स ओ टू इसमें रिलीज़ होगा बाय प्रोडक्ट और सिक्स एच टू ओ ठीक है तो ये हो जाएगा आंसर नंबर थ्री ठीक है आंसर थ्री हो जाएगा ये आंसर वन ऊपर हो गया आंसर थ्री हो गया टू हमने कर लिया उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर है वाटर स्टोमेटा व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म तो आंसर नंबर फोर हो जाएगा हमारा ये स्टोमेटा स्ट्रोमेटा क्या होता है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स और इसके फंक्शंस जो हो जाएंगे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड लॉ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर फोर ठीक है लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोमेटा का डायग्राम ठीक है ये रहा तो स्टोमेटा का डायग्राम है मेन इसमें क्या होते हैं गार्ड सेल्स ठीक है तो ये हो जाएगा <coughs> ये लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये दो डायग्राम है इसमें है ये स्ट्रोमेटा जब ओपन है ठीक है जब स्ट्रोमेटा ओपन है तो ऐसा दिखेगा और स्टोमेटा जब क्लोज है तो ये ऐसा दिखेगा ठीक है स्ट्रोमेटा ओपन स्टोमेटा क्लोज ठीक है इसमें मेन ये होते हैं दो गार्ड सेल्स होते हैं ये बीन शेप्ड सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स नंबर वन ठीक है और और क्या होता है जो गार्ड सेल्स के अंदर ही आपको डॉटेड से दिख रहे हैं ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट ठीक है जो क्लोरोफिल जिसमें एंटी तो गार्ड सेल हो गया इसमें मेन और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट ठीक है और ये जो बाहर की जो ये ये जो वाइट कलर के हैं ये ये जो दिख रहे हैं ये हो जाएंगे आपके थिन आउटर वॉल है इन्हें एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं एपिडर्मल स्कैनल भी कहते हैं ये ठीक है थिन वॉल सेल है थर्ड ठीक है मेन इसमें गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट है और ये इनमें एक एक न्यूक्लियस भी होता है बोथ गार्ड सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है ठीक है और ये इसकी इनर वॉल हो जाएगी तो यही मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं ठीक है गार्ड सेल्स थिनर इनर वॉल न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट और आउटर वॉल ठीक है ये हो गया आपका क्लोज स्टोमेटा ये स्टोमेटा ओपन है ठीक है तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक like करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू